मैं केशव का पांचजन्य गहन मौन में खोया। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम। मैं आपसे फिर मुखातिब हूँ, और आपसे मुखातिब होने से पहले मैं बहुत देर तक बहुत उद्दीलित अवस्था में गहन मौन में था, और इसीलिए मुझे दो कविताएं याद आ गईं। ये दो कविताएं, एक मंचीय कवि हरिओम पवार साहब की है और दूसरी हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की। तो इससे पहले कि मैं उस संदर्भ में आऊं जिसके कारण मैं गहन मौन में खो गया था और मुझे कविवर हरिओम पवार की कविता की एक पहली पंक्ति याद आ गई कि मैं केशव का पांचजन्य गहन मौन में खोया हूं, और साथ ही मुझे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी की याद हो आई, उसके प्रथम सर्ग की याद हो आई जिसमें राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर महाभारत की गाथा को कहते हुए, और महाभारत में एक चरित्र, एक बहुत ही चरित्रवान पुरुष के चरित्र पर वो अपनी कविता लिखते हैं, रश्मिरथी, कर्ण पर। और उस कर्ण की कविता का प्रथम सर्ग में रामधारी सिंह दिनकर क्या कहते हैं, पहले मैं आपको वह सुनाना चाहता हूँ, और आप सभी ने उसको सुनी होगी। हर हिंदी भाषी, हर हिंदी प्रेमी को वो कविता बहुत अच्छी तरह याद है, फिर भी युवा पीढ़ी को मैं एक बार फिर उससे रूबरू कराना चाहता हूँ। कविवर रामधारी सिंह दिनकर ने क्या कहा है, जय हो जग में जले जहाँ भी, जय हो जग में जले जहाँ भी, नमन पुनीत अनल को, जय हो जग में जले जहाँ भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को, किसी वृंत पर खिले विपिन में, किसी वृंत पर खिले विपिन में, पर नमस्य हैं फूल सुधी खोजते नहीं, सुधी खोजते नहीं, गुणों का आदि शक्ति का मूल, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। कवि रामधारी सिंह दिनकर अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालकर कह रहे हैं, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, पैदा होने से, किसी कुल में पैदा होने से, वीर होने से वो क्षत्रिय नहीं हो जाता है, किसी कुल विशेष में पैदा होने से, लेकिन क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। अगली लाइन सुनिए, अगली पंक्तियां सुनिए, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य बितला के, हीन मूल की ओर देख, हीन मूल की ओर देख, जगत गलत कहे या सही, वीर खींच कर ही रहते हैं, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। मुझे ये कविता कर्ण के कारण याद नहीं आई, मुझे ये कविता या कविवर हरिओम पवार की पहली पंक्ति एक कविता की कि मैं केशव का पांचजन्य हूँ गहन मौन में सोया हूँ, कृष्ण के कारण याद नहीं आई। आपको पता है कि कृष्ण जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में ईश्वर की पूर्ण अवतार के रूप में माने जाते हैं, अवतरित होते हैं, उन कृष्ण का एक शंख था, वही शंख जिसको कि बजाकर महाभारत के युद्ध की घोषणा की गई थी, वो शंख पांचजन्य कहलाता था, और पांचजन्य नाम का ये शंख कृष्ण को हमारी गाथाओं के अनुसार, हमारे प्राचीन पौराणिक ग्रंथों के अनुसार समुद्र में मिला था, जब वो अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए समुद्र में कूदे थे। उनके गुरु थे गुरु संदीपन, जिन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में उनसे अपना वो पुत्र मांगा था जो समुद्र में डूब के मर गया था, और कृष्ण भगवान ने उसको, ऐसा कहा जाता है, शंखासुर नाम के एक असुर के पेट से निकाला, और उसी शंखासुर की जो खोल था उस असुर का, वही पांचजन्य बना, केशव का यानी कि कृष्ण का शंख बना। बहरहाल मित्रों, आज का संदर्भ क्या है, आज का संदर्भ जिसके कारण मैं उद्वेलित हूँ और आप भी उद्वेलित होंगे, हर वो व्यक्ति जो इस देश से प्रेम करता है, इसकी संस्कृति से प्रेम करता है,
इसके लोकतंत्र से प्रेम करता है, वो जान रहा है कि हम बेहद संक्रमणकार के दौर से गुजर रहे हैं और ऐसे दौर में हम सबका ये कर्तव्य है, पुनीत कर्तव्य है कि हम किसी भी प्रकार के शोषण के खिलाफ, किसी भी प्रकार की सामाजिक बुराई के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें। आज का संदर्भ है जो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ अपने विचार, उसका संदर्भ होता है उत्तराखंड में अभी पिछले दिनों घटी एक घटना से। घटना क्या है, नेशनल मीडिया में बहुत बड़ा समाचार नहीं बन पाया, बना मगर बहुत बड़ा नहीं बन पाया, क्योंकि हम लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व के दौर से गुजर रहे हैं और हमारे यहाँ वर्तमान में आम चुनाव हो रहे हैं नई सरकार को चुनने के लिए, इसलिए शायद ये खबर उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं पा सकी जितना इसको पाना चाहिए था, और इस कारण भी नहीं पा सकी कि हम और हमारा देश हर दिन इस प्रकार की घटनाओं से दो चार होता आ रहा है अनादिकाल से। घटना है उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे में एक दलित की हत्या। अब जानिए दलित की हत्या क्यों होती है, दलित की हत्या कोई आपसी रंजिश के कारण नहीं होती है, कोई लेन देन के कारण से उपजे विवाद के कारण नहीं होती है, पर दलित की हत्या की जाती है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में, टिहरी गढ़वाल जिले के एक गांव बसाण में। टिहरी गढ़वाल के इस गांव बसाण में जो घटना हुई उस पर आने से पहले मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। आज़ाद भारत में इस प्रकार की कितनी घटनाएं भी, इन पर प्रकाश डालना चाहता हूं। ये जो घटना टिहरी गढ़वाल में हुई है ये जातीय हिंसा है। हम हिंदू हैं और हिंदू होने के बाद चार मोटी कैटेगरीज़ में हमको बांटा जाता है, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य और शूद्र। आज हम 21वीं शताब्दी में हैं और आज भी हम ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, तो फिर हम मनुष्य कहाँ रह गए। यहीं से मेरा प्रसंग शुरू होता है और मैं इस घटना में, बसाण गांव में घटी इस घटना में, जिसमें कि एक जितेंद्र दास नाम के युवक की निर्मम हत्या कर दी गई है, उसमें आने से पूर्व आपको कुछ चंद आंकड़े देना चाहता हूँ, ये बताने के लिए कि आज़ादी के बाद ये कितनी बड़ी हैं जातीय हिंसा, और 21वीं शताब्दी में कंप्यूटर के युग में, इंटरनेट के युग में, अंतरजाल के युग में, फेसबुक के, ट्विटर के, आभासी दुनिया के युग में ये और बढ़ रही हैं। हमारी युवा पीढ़ी जो इससे पूरी तरह मुक्त होनी चाहिए थी वो इसके दलदल में और धंस रही है। तो 1968 किलवेलमानी गांव तमिलनाडु, यहाँ पर आज़ादी मिलने के मात्र 17 साल बाद 44 दलितों को, खेतीहर मजदूरों को मार दिया जाता है। प्रकरण क्या है ये आप इंटरनेट में जान सकते हैं, आपको सारे संदर्भ मिल जाएंगे। मुद्दा सिर्फ इतना कि खेतीहर मजदूर जो दलित जाति से थे, उन्होंने आज़ादी मिलने के बाद अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू करा और उनको ये मुगालता हो गया था कि वो सही में हर प्रकार की बुराई से आज़ाद हो चुके हैं और नए भारत में वो जो सपने देख रहे हैं वो सपने साकार करने का समय आ गया है। नतीजा होता 1968 में 44 लोगों की मौत। 1980 में आई है, मैं सीधे 68 के बाद और भी बीच बीच में जातीय हिंसा की घटनाएं हुई हैं, मगर मैं एक दूसरी घटना पर आता हूं जिस पर मैं आज आपसे अपने विचार साझा करने जा रहा हूं, वो है कफलटा कांड, जिसने कथित तौर पर देवभूमि कहलाए जाने वाले उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र का नाम पूरी तरह डुबाने का काम किया था। कफलटा कांड क्या है ये मैं आपको विस्तार से बताऊँगा। 1981 में मध्य प्रदेश में एक घटना होती है और मल्लाह जाति की, मल्लाह एक नीची जाति है हमारे वर्ण आश्रम के हिसाब से, और उसकी जाति की एक लड़की फूलन देवी के संग गैंगरेप किया जाता है और इस गैंगरेप के बाद फूलन देवी हथियार उठा लेती हैं और वो दस्यु बन जाती हैं, और मीडिया के शब्दों में दस्यु सुंदरी कहलाई गई वो, और उन्होंने 1981 में फरवरी 14 के दिन 24 ठाकुरों को जो उस गैंग रेप में इन्वॉल्व थे उनकी निर्मम हत्या कर डाली थी। फूलन देवी जी का किस्सा आपको मालूम है, बाद में वो भारतीय संसद भी पहुंची है, हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, और
बाद में उनकी 2001 में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो निर्मम हत्या कर दी गई थी। 1990 में जन्म होता है बिहार में, जो कि अपनी जातीय हिंसा के लिए कुख्यात है। बिहार कई कारणों से कुख्यात है। बिहार में श्रेष्ठ विद्वान हमारे राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का राज्य है बिहार। बिहार ने एक से एक बुद्धिजीवी दिए हैं। वर्तमान में भी देश के सबसे बड़े पत्रकारों में शामिल नाम बिहार से आते हैं। उसी बिहार में जन्म लेती है 1990 में रणवीर सेना। ये रणवीर सेना उच्च वर्ग की सेना होती है। इसमें भूमिहार और राजपूत जाति के लोग मिलकर इस सेना को बनाते हैं। और ये सेना जो कि एक दलितों को या पिछड़े लोगों के दमन के लिए बनाई गई सेना है, ये एक के बाद एक हत्याकांडों को अंजाम देती हैं। एक गांव हैबरपुर है, वहाँ पर 10 लोगों को 1987 में 23 मार्च को मार दिया जाता है। और दीवार में खून से ये रणवीर सेना लिखकर जाती है कि हमने इनको मारा है। 1996 जुलाई को बथानी टोला भोजपुर में 21 दलित मार दिए जाते हैं इसी सेना द्वारा। उसके बाद देखिए 1 दिसंबर 1997 को लक्ष्मणपुर बात में 61 दलितों को ये सेना मारती है। 25 जनवरी 1999 को 22 दलित जहानाबाद में मारे गए जाते हैं। ऐसा नहीं है इसका रिटेलिएशन नहीं होता है। जो दलित वर्ग है, दलित समूह है, वो भी अपनी सेना बनाता है और भूमिहार और राजपूत लोगों के खिलाफ बिहार में एक नई सेना तैयार होती है। और ये सेना, ऐसा तथ्य कहते हैं, आंकड़े कहते हैं, MCCI माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया, जो अब CPIM कहलाता है, उसके द्वारा संरक्षित होती है या उसके द्वारा बनाई गई है। और ये लोग 35 लोगों को नहर के किनारे, उच्च वर्ग के लोगों को गला काट के मार देते हैं। 2011 में, यानी कि 21वीं शताब्दी का हाल सुनिए, 2011 में मिर्चपुर हरियाणा में एक दलित जिसका नाम शायद जयप्रकाश था, उस दलित का कुत्ता जाट समुदाय के शराब के नशे में धुत कुछ युवाओं पर भोंक देता है। इस पर विवाद हो जाता है और इस विवाद का अंजाम यह होता है कि एक 70 साल के वृद्ध ताराचंद को जाट समुदाय यानी उच्च समुदाय के लोग जिंदा जला देते हैं। और इस घटना के बाद इस गांव से, मिर्चीपुर गांव हरियाणा से, 200 लोग पलायन कर गए। ये बहुत राष्ट्रीय स्तर की खबर बनी थी। 2015 में राजस्थान के डंगवाल में जाट और दलित टकराव दोबारा होता है। राजस्थान में होता है इस बार और उसमें 4 लोग मारे जाते हैं। 2016 में 18 जनवरी को एक ऐसी घटना होती है जो पूरे समाज को झकझोर देती है और हमारा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, इस घटना को बहुत जोर शोर से उठाता भी है। रोहित वेमुला नाम के एक लड़के ने हैदराबाद विश्वविद्यालय में, वो PhD का छात्र था, वो आत्महत्या कर लेता है। और उसकी आत्महत्या के पीछे ये माना जाता है कि जातीय संघर्ष था। वो एक पिछड़ी जाति से था और वो अपने आप को अपमानित महसूस करता था। हालांकि रोहित वेमुला के मामले में बाद में ये तथ्य भी आए कि वो दलित जाति से नहीं थे, लेकिन रोहित वेमुला आत्महत्या कर लेते हैं किसी न किसी उत्पीड़न के शिकार होकर। तो मित्रों, यहीं से मेरी आज की आपसे जो वार्ता मैं करना चाहता हूँ वो शुरू होती है। और इससे पहले मैं जब गहन मौन में खोया था तो मैं सोच रहा था कि हम किस प्राचीन संस्कृति पर अपनी गर्व करते हैं। हम क्यों कहते हैं कि हम एक अद्भुत संस्कृति के वाहक हैं। हमारी संस्कृति पर हम जो गर्व करते हैं, वही संस्कृति, वही हमारे पौराणिक ग्रंथ जो हैं, वही तो हमको समाज को बांटने की दिशा में, समाज के विभक्तिकरण की दिशा में प्रेरित करते हैं। मैंने आपको रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता सुनाई, कर्ण को अंग देश का राजा सिर्फ इसलिए बनाना पड़ता है सुयोधन या दुर्योधन को, क्योंकि पांडवों के गुरु जब अर्जुन से कर्ण की लड़ाई का प्रश्न आता है महाभारत काल में, तो ये ऑब्जेक्शन उठा लेते हैं कि ये तो सूत पुत्र है, ये तो दलित का पुत्र है, इसके बारे में तो हमको पता ही नहीं है कौन है, ये कैसे अर्जुन से युद्ध कर सकता, धनुष विद्या में कैसे वो अपना कौशल दिखला सकता है। तब दुर्योधन या सुयोधन आगे आते हैं और उसको राजा घोषित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि उस काल में भी समाज पूरा बटा हुआ था, तब भी दलित थे, तभी उनको सूत कहा जाता था। और देखिए, सुंदरकांड में तो तुलसीदास जी कह गए हैं, रामचरितमानस के रचयिता कह गए हैं, ढोर गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोर गवार
ढोर मतलब जानवर, गंवार मतलब मूर्ख, शूद्र पशु और नारी। तो ये भी एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि जिस संस्कृति पर हम गर्व करते हैं, हमें बहुत अभिमान है उस संस्कृति पर, और इन दिनों तो खासकर जबकि राष्ट्रवाद की बात उठ रही है और एक हिंदुत्व की भावना को जगाया जा रहा है राजनीतिक लाभ के लिए, ऐसे में हमको सोचना चाहिए कि ये समाज जो हमारा बढ़ता जा रहा है, आने वाले समय में अगर यही स्थितियां जारी रहीं तो क्या ये मुल्क भी बच पाएगा? लोकतंत्र तो भूल जाइए, क्या मुल्क भी रह पाएगा या नहीं रह पाएगा? मैं आता हूं आपके सामने कफट्टा कांड को लेकर। कफट्टा कांड क्या था और क्यों कथित रूप से देवताओं की भूमि देवभूमि में ऐसी घटना हुई? देखिए, होता क्या है कि मई 1980 को, यानी कि जब उत्तराखंड नहीं था और उत्तर प्रदेश का हिस्सा था आज का वर्तमान उत्तराखंड, मई 1980 को श्याम प्रसाद नाम के एक दलित की बारात जा रही थी, और वो बारात जो थी वो अल्मोड़ा ज़िले के सल्ट पट्टी के एक गाँव में कफट्टा के सामने से जब गुजर रही थी, तो वहाँ पर उस बारात को महिलाओं द्वारा रोका जाता है, स्थानीय महिलाओं द्वारा जो उच्च समाज की होती हैं, और वो कहती हैं कि दूल्हा है श्याम प्रसाद, उसको डोली में बैठाकर आप लोग इस गांव को क्रॉस नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस गांव में बद्रीनाथ जी का मंदिर है। इस बात को लेकर विवाद होता है और उस विवाद की परिणति क्या होती है, कितनी खतरनाक परिणति होती है। जब ये विवाद होता है तो दलित भी अड़ जाते हैं, वो कहते हैं ये हमारा राइट है, आप हमें कैसे रोक सकते हैं मात्र इसलिए कि हम दलित समाज से हैं। जो उच्च वर्ग की महिलाएं वहाँ पर थीं वो अपने पुरुषों को वहाँ बुला लेती हैं और वो कहती हैं कि आप मंदिर के सामने से डोली में बैठ के नहीं जा सकते हैं, ये बद्रीनाथ जी का अपमान है। ऐसा बताया गया बाद में कि दलित इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि हम जब मंदिर के सामने से निकलेंगे तब हम डोली से उतर जाएंगे, हमारा दूल्हा डोली से उतर जाएगा, लेकिन जो महिलाएं हैं और जो वहाँ के स्वर्ण जाति के पुरुष होते हैं वो कहते हैं नहीं, इस गांव के पूरे रास्ते में ही तुम लोग डोली में नहीं बैठ सकते हो क्योंकि तुम लोग नीच जाति से हो। इसका नतीजा ये होता है कि वहाँ पर उसी समय सेना से एक सेना में कार्यरत एक उच्च जाति का युवक खिमानंद वहाँ पर होता है, वो भी वहाँ आ जाता है और लड़ाई इनकी बढ़ जाती है, और इनकी लड़ाई जब बढ़ती है तो उसकी परिणति ये होती है कि 14 दलित जान से हाथ धो बैठते हैं 1980 में उत्तर प्रदेश में रहते हुए, और इनमें से 6 दलितों को जिंदा जला दिया जाता है। जो दलित बच जाते हैं वो भागकर एक नरीराम नाम का एक नीची जाति के व्यक्ति वहाँ थे, कथित तौर पर जो नीची जाति कही जाती है उनके व्यक्ति वहाँ थे, उनके घर में वो शरण लेते हैं, तो ऊँची जाति के महानुभाव उस घर को आग लगा देते हैं और 14 लोग इसमें मर जाते हैं। और देखिए, लोकतंत्र जिस पर हम गर्व करते हैं, और निश्चित तौर पर हमारा संविधान और हमारा लोकतंत्र बहुत गर्व करने लायक है और बहुत खूबसूरत है, मगर पूरी व्यवस्था कितनी खोखली होती गई कि निचली अदालतों से इन सब को, ये जो अपराधी थे जिनको बाद में हो हल्ला मचने के बाद और तत्कालीन गृहमंत्री ज्ञानी जैल सिंह के वहाँ जाने के बाद, कफट्टा जाने के बाद पुलिस कार्रवाई करती है और 16 लोगों को चार्जशीट करती है, 16 के 16 स्वर्ण जाति के लोग होते हैं, मगर उन निचली अदालतों से छूट जाते हैं। और उसके बाद 26 मार्च 1997 को, यानी कि इस घटना के 16-17 बाद साल बाद, जरूर उच्चतम न्यायालय, न्याय के देवता का सबसे बड़ा मंदिर, इन 16 के 16 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ आउटलुक मैगज़ीन, जो इस 26 मार्च 1997 को जब भी जजमेंट आया था उस समय आउटलुक मैगज़ीन में पत्रकार राजेश जोशी, जो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वर्तमान में बीबीसी इंडिया में हैं, उनकी एक खबर, ये आउटलुक इंडिया में उनकी खबर है जो मैंने इंटरनेट से निकाली, और इस खबर में राजेश जोशी जी ने, वो बड़ा स्पष्ट लिखते हैं कि 1997 में जब 16 बरस बाद ये जजमेंट आया तो कोई हो हल्ला नहीं मचा, किसी ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया देश के मीडिया ने, मगर राजेश जोशी जो खुद उसी क्षेत्र से हैं, कुमाऊं क्षेत्र उत्तराखंड से हैं, उन्होंने यह खबर की है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि इतनी लंबी घटना होने के बावजूद, इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद 16 साल बाद जब इतने इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट आजीवन कारावास की सज़ा सुनाता है, तो इन लोगों में से कई लोग जिनसे राजेश जोशी ने बात करी उन लोगों को कोई दुख नहीं है,
वो लोगों को कोई रिमोर्स नहीं है कि हमने गलत किया। देखिए वो कहते हैं कि नरीराम के घर को जलाने वाले गोपाल सिंह, जो कि 1997 में 66 साल के हो गए थे और ठाकुर जाति से आते थे, क्षत्रिय जाति से, और इनको सजा हुई सुप्रीम कोर्ट से, वो क्या कह रहे हैं कि मैं नहीं समझता हूँ कि ये जो कास्ट सिस्टम है, वर्ण व्यवस्था है, ये कोई बुराई है, मगर क्या करें, अब सरकार ने अस्पृश्यता को एक अभिशाप कह दिया है, अनटचेबिलिटी को क्राइम बना दिया है, तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। और ये लोग बाद में, राजेश जोशी लिखते हैं, इनको पुलिस गिरफ्तार भी कर लेती है, सरेंडर कर लेते हैं। ज़्यादातर लोगों का ये मानना होता है कि ये घटना तो सामान्य बात है, और जब राजेश जोशी इस गांव में जाते हैं इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद, तो उन्होंने बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात अपनी इस रिपोर्ट में, जो 1997 में आउटलुक में आई थी, उसमें उन्होंने लिखा है कि गांव, ये जजमेंट आने के बाद जो दलित लोगों ने अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने पतियों को खोया था, वो डर गए थे कि कहीं दोबारा ऐसा कांड ना हो जाए। और वहाँ पर उनको मिलते हैं गोपाल राम नाम के एक व्यक्ति, 50 वर्षीय व्यक्ति गोपाल राम, जिन्होंने अपने पिता को 16 बरस पहले इस कांड में, जिनके पिता की मृत्यु हो गई थी, और वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आज भी जब भी हमारी उच्च जाति के लोगों से, ब्राह्मणों से विशेषकर लड़ाई होती है, तो वो कहते हैं डुमड़ो तुम कफलटा भूली गे छा, फिर कत्ल फिर कर दियूँ उसे हम, डुमड़ो तुम कफलटा भूली गो छा फिर कर दियूँ उसी हम। डुमड़ो मतलब दलितों, तुम लोग भूल गए हो कि कफट्टा में हमने तुम कांड में क्या हुआ था तुम्हारा, हम दोबारा वैसा कांड कर देंगे अगर तुमने आवाज़ उठाई। कफट्टा कांड उत्तराखंड के इतिहास में हमेशा एक काले दिन के रूप में, एक काले कांड के रूप में याद किया जाएगा। और उस कांड के बाद आज 2019 में, जब राज्य में भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, शोषण मुक्त समाज देने वाले लोगों की सरकार है, तब नैनबाग क्षेत्र के बसाण गांव निवासी जितेंद्र दास की हत्या कर दी गई। क्यों करी गई ये सुनिए। 26 अप्रैल को श्रीकोट के बसाण टोक में विवाह समारोह में जितेंद्र दास को गांव की ही कुछ ऊंची जाति के स्वर्णों द्वारा महज इसलिए मारा पीटा गया कि वह उनके सामने कुर्सी पर बैठ के भोजन कर रहा था। ये हमने ये खबर करी है द संडे पोस्ट ने, और हमारे संवाददाता कृष्ण कुमार ने ये खबर भेजी है जो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। और जिस खबर को पढ़ के मैं बहुत उद्वेलित हो गया हूँ। कृष्ण कुमार अपनी खबर में लिखते हैं, ऊंची जाति के लोगों को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने जितेंद्र दास के साथ बुरी तरह से मारपीट की, जिससे वो बेहोश हो गया। परिजन उसे देहरादून स्थित इंद्रेश अस्पताल में लाए, जहाँ 5 मई की सुबह उसकी मौत हो गई। कृष्ण कुमार अपनी रिपोर्ट में आगे कहते हैं, जितेंद्र दास बढ़ई का काम करता था, वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। पिता की मौत के बाद जवान बहन, छोटे भाई और वृद्ध माँ का जितेंद्र को एक ही सहारा था, जो छिन गया और उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। खास बात यह है कि जिस विवाह समारोह में जितेंद्र दास की मारपीट हुई, वह उसी के परिवार के था, यानी कि विवाह एक दलित का ही था। नैनबाग क्षेत्र की सामाजिक परंपरा के अनुसार दलित परिवार में विवाह आदि समारोह में स्वर्णों को बुलाया जाता है, तो उनके भोजन आदि की व्यवस्था स्वर्ण लोग स्वयं करते हैं, यानी कि आमंत्रित किया जाता है कि आप ऊंची जाति के हो, लेकिन उनके लिए खाना अलग से बनता है, वो लोग व्यवस्था करते हैं, मगर पैसा दलित देता है जिसकी शादी है। सामाजिक मान्यताओं के चलते दलित इस व्यवस्था का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितेंद्र दास ने ऐसा करने का प्रयास किया, ऐसे करने का साहस किया, तो उसका नतीजा उसे प्राण गंवाने पड़े। 26 अप्रैल की रात यह प्रकरण हुआ, लेकिन मीडिया और राजनीतिक दलों ने इसे संज्ञान में नहीं लिया। यहाँ तक कि जितेंद्र दास को पहले नैनबाग राजकीय चिकित्सालय और फिर दून अस्पताल में लाया गया, उसके बाद उसे महंत इंद्रेश अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ वो बेहोश हो गया और उसने दम तोड़ दिया। जब उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद शासन प्रशासन हड़कंप में आया, और वो हड़कंप भी शासन प्रशासन में इसलिए नहीं मचा कि एक दलित मारा गया, बल्कि इसलिए बचा कि कांग्रेस के एक नेता और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो इस दलित के गांव में गए, और उन्होंने दलित के गांव में जाकर उनके माता पिता से बातचीत की, उनको सांत्वना दी, तब प्रशासन और राजनेता जागे। और उसके बाद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून में उपवास किया इस घटना के विरोध में, और उन्होंने उस गांव में जाकर उनके माता पिता से भेंट की। कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी वहां गए, उन्होंने भी सांत्वना दी, मगर इस घटना के 10 दिन बाद। और हमारे संवाददाता कृष्ण कुमार का कहना है, ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तराखंड में दलित
एक वोट बैंक के रूप में बहुत कम संख्या में है, इसलिए दलितों के ऊपर हो रहे शोषण पर राजनीतिक दल भी कोई हो हल्ला नहीं करते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा समाज, हमारे राजनीतिक दल भी कितने वोट बैंक के हिसाब से निष्ठुर हो गए हैं कि अगर वोट बैंक बहुत बड़ा होगा तो बहुत हो हल्ला मचेगा, सारे राजनीतिक दल के नेता वहाँ जाएंगे और घड़ियाली आंसू रोएंगे। मगर चूंकि उत्तराखंड में दलित वोट बैंक बहुत कम है, इसलिए बमुश्किल जब किशोर उपाध्याय जाते हैं तो कांग्रेस के बड़े नेता वहाँ पहुँचते हैं और एक पूर्व मुख्यमंत्री उपवास भी रखते हैं देहरादून में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता वहाँ जाना उचित नहीं समझता है। केवल स्थानीय विधायक खजानदास वहाँ जाते हैं, उनके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री वहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कोई व्यक्ति ने आज तक भी वहाँ जाना उचित नहीं समझा। कविवर हरिओम पवार की कविता मैं केशव का पांच जन्य गहन मौन में खोया हूँ और रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता रश्मि रथी का प्रथम सर्ग इसी कारण याद आया। कवि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने 1950 के करीब में यह कविता लिखी और उन्होंने बहुत बहुत रेखांकित करके कहा, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के, हीन मूल की ओर देख जगत गलत कहे या सही, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहास में लीक। अब समय आ गया है, मैंने जैसा पहले कहा कि हमारा लोकतंत्र एक संक्रमणकार से के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में यदि हम धर्म और जाति के नाम पर बढ़ते रहेंगे और अपने राजनीतिक आकाओं के, अपने राजपुरुषों के निस्वार्थ के चलते अपनी भावनाओं को हिंदू होने के नाते, मुस्लिम होने के नाते, ईसाई होने के नाते, या ठाकुर होने के नाते, वैश्य होने के नाते, शूद्र होने के नाते प्रकट करते रहेंगे तो निश्चित मानिए ना ये देश बचेगा और ना ये लोकतंत्र बचेगा। जब देश ही नहीं बचेगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। मैं पुनः अपनी बात समाप्त करने से पहले आप सब लोगों को चेताना चाहता हूँ और आग्रह करना चाहता हूँ और फिर एक बार रामधारी सिंह दिनकर जी की याद दिलाना चाहता हूँ, जिन्होंने कहा था कि पाप का भागी नहीं केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। आगे आइए, बुलंद होइए, अपनी आवाज़ को बुलंद करिए, विरोध करिए ऐसी घटनाओं का और जो आपको जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, उनका बहिष्कार भी करिए। जय हिंद, जय भारत।